सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे बीच में वो खबर साझा कर चुके हैं आप। आनंद चौधरी को आप लोग बधाई दी गई दे दिए ना, यदि आनंद जी अवार्ड लेके लोग दूसरे मेरे साथी तो हाल के हफ्ते में दो साथी एक साथ आनंद जी अवार्ड लेके आए, ये भास्कर के हैं और अमर उजाला के एक दूसरे साथी ने मनीष मिश्रा, वो एनवायरमेंटल। तो मुझे ऐसे विद्वान रिपोर्टर्स के साथ में काम करने का मौका मिला कि ये लोग समझते हैं कि करना क्या चाहिए। असल में एडिटर करता कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने कमरों में बैठते हैं और अमूमन जो रिपोर्टर आते हैं उनको सुबह से शाम तक स्पॉट करते हैं, ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए। फिर वो लोग जो अच्छी चीज़ें लाते हैं उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें हम निकालते हैं और फिर उनको बताते हैं कि इसको ऐसे से छापते हैं। तो आधे से ज़्यादा इस बात से परेशान रहते हैं कि ये कल सुबह लगेगी कि नहीं, नंबर दो इसमें अपना नाम जाएंगे कि नहीं, और इसमें किसी का काउंटर लाइन भी नहीं चलेगा। तो इतनी परेशानियों के बीच रिपोर्टर अगर कोई चीज़ काम कर ले तो वो अतिरिक्त बधाई का पता चला। मनोज जी रिपोर्टर भी रहे हैं और एडिटर भी रहे हैं, तो दोनों तकलीफें एक साथ जाना। और सारा सुजी ने अभी बहुत अच्छी बातें की, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। अब जैसे मैं आपको दो उदाहरण बताता हूँ जो जिसका आरटीआई से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आरटीआई से लेना देना हो सकता है। पिछले दिनों एक हवाई जहाज में एक साहब थे, उन्होंने किसी महिला की सीट पर जाकर यूरिनेट किया और उस विसर्जन पे इतना हंगामा हुआ, कौन थे, क्या थे, कैसे थे, क्या नहीं थे। तो एक एलीट जर्नलिस्ट ने, जो कि महिला भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि आप जानते हैं कौन निकला, वो कोई मोहंती नहीं था, वो कोई बसु नहीं था, वो कोई कानेकर नहीं था, वो था मिश्रा, हिंदी पट्टी के मिश्रा जी। तो जो लोग उसकी अगली लाइन ये थी, उसका मैं आपको सिर्फ भावार्थ बता रहा हूँ, जो लोग हिंदी पट्टी का व्यवहार शास्त्र लोगों पे लादना चाहते हैं उन लोगों के लिए चेतावनी। आप इस एक वाक्य में, एक ट्वीट में क्या क्या देते, आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक आदमी जो खुद सीईओ लेवल का रहा है, जो खुद बिजनेस क्लास से सफर कर रहा है, अगर वो किसी महिला के साथ कुछ करता है जिसको कि आप आपत्तिजनक मानते हैं, तो उसका मिश्रा होना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गोबड़ पट्टी का, मतलब ये कि मोहंती होता तो ऐसा नहीं होता, बसु होता तो ऐसा नहीं होता। और मुश्किल ये है कि इस देश में केंद्र में वह सत्ता राज कर रही है जो कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए चुपचाप काम करती है, ऐसे लोग इस देश में जो व्यवहार शास्त्र लाना चाहते हैं उससे बचो, ये उसका काश। मैं आपको इसमें सिर्फ एक बारीक चीज इसलिए बताना चाहता हूँ कि सिंपल ट्वीट है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा आचार शास्त्र, बहुत बड़ा विचार शास्त्र, बहुत बड़ी सांस्कृति की, बहुत बड़ी राजनीति, बहुत सारी चीजें एक साथ छुपी हुई है। सिर्फ यही नहीं, हम लोग एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपने आजकल हम लोग दफ्तरों में कॉर्पोरेट संस्कृति काफ़ी लंबे अरसे से ले आए हैं और वो मजबूरी होती है, जब बिजनेस होता है, पैसा होता है, तो उसको मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। सो पैसा आता है तो उसका मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है तो उसके नियम होते हैं, नियम होते हैं तो क्रूरताएँ भी अनुशासित होती हैं। यानी मैं आपके सामने कब दांत दिखा सकता हूँ और कब मुस्कुरा सकता हूँ, ठीक वैसे जैसे परिचारिकाएँ होती हैं, तो वो मन में गुस्सा हो रही होती है लेकिन आपके सामने मुस्कुराती है। तो जो 1.5 इंच की प्लास्टिक मुस्कान होती है तो उसका कोई एक अपना एक खास तरीका अनुशासन होता है, अनुशासन कॉर्पोरेट का अपना शास्त्र होता है। तो उसमें एक होता है HRD, हर्डल रिक्रिएशन डिपार्टमेंट कहता हूँ, आप लोग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हो। वो बेसिकली बनाया इसलिए गया था कि एम्प्लॉइज को हम लोग किस तरह से सुविधा दे सकते, उनकी क्या क्या समस्या है जिसमें उनको मदद कर सकते। उसका खास काम होता है हायर करना लोगों को, अच्छे लोगों को चुनना, प्रतिभा के हिसाब से सेक्शंस और डिपार्टमेंट्स उनके लिए अच्छे लोगों की तलाश करना, उनको लाना और मैनेजमेंट के साथ उनका परिचय करवाना, उस ब्रिज को पूरा करते हुए
पूरे के पूरे संस्थान की उत्पादकता को कई गुना बढ़ाना, ये बेसिक काम। और इस तरह से एचआर दो तरह का काम करता था, मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे उत्पादक संस्थान की स्थापना करने में सहयोगी होना, और एम्प्लॉयज के लिए एक बहुत अच्छे व्यक्ति का ऐसा होना कि एक ऐसे संस्थान में काम कर रहे हो जिससे उनकी आत्मा को न सिर्फ स्फूर्ति मिलती है बल्कि वो फिजिकली भी वो सब चीजें कर पाते हैं जिससे उनकी आत्मा प्रसन्न रहे। एचआरडी का मुख्य काम, एचआरडी बनाया इसलिए गया था, आज से 20 साल पहले कभी एचआरडी का नाम नहीं सुना था हम लोगों ने। तब क्या होता था, तो बेसिकली उसे कहते थे पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, पीएनडी। एक मैनेजर साहब होते थे, कोई तनख्वाहें भी देख लेते थे, एक अकाउंटेंट होता था वो आपको सैलरी वगैरह बना देता था, काम पूरा होता था। किसी की भर्ती करनी है तो भी वही वहीं से एप्लीकेशन, और एडिटर होता था वो फाइनल करते थे, ये ठीक है कि नहीं, वो ठीक है। ये सब संस्थान में होता है। जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, मतलब परिवार में भी ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो व्यवस्था करनी पड़ती है, उसी तरीके से ये व्यवस्थाएँ थी। तो एचआर डिपार्टमेंट इसलिए बनाया गया, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट हुए गए कि वो हायर की बजाय इस बात की संभावना पर विचार करते हैं कि हायर कैसे किया। आप आर टी आई मतलब समझ रहे हैं ना, आपको इसका उदाहरण और अपन बहुत छोटा करके माइक्रो में चलते हैं। त्रिमूर्ति सर्कल है ना अपने यहाँ पे, वहां पे पहले शनि मंदिर हुआ करता है, तो भीड़ बहुत हो जाती थी, वो चौराहा है यहाँ, इस दिल से आ रहे हैं, जैसे स्कूटर वाला जा रहा है, जैसे मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, जैसे ऑटो जा रहा है, सब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। और हमारे पुलिस वाले जो थे एक साहब, वो वहाँ शनि मंदिर के बाहर मोटरसाइकिल लगा दी और मूछों पे ऐसे करके खड़े रहते, देखते रहते निकल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि ये सब आपस में अपना निपटा लेंगे, ये इधर से निकल जाएगा, वो इधर से निकल जाएगा, हमें व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन दोपहर को 2 बजे जून की भरी गर्मी में मानसरोवर के शिप्रा पथ से लगी हुई एक गली के पास, वो आधा अधूरे बबूल के नीचे मोटरसाइकिल के साथ में एक आदमी खड़ा हुआ मिलेगा जिसका नाम है पुलिस में। वो ये देखेगा कि पड़ोस की गली से निकल रहा वाला कोई आदमी बाहर निकले कि उसको मैं पकड़ूं कि उसने क्यों नहीं हेलमेट लगाई। वहां कोई ट्रैफिक नहीं, वहां कोई अव्यवस्था नहीं है, वहां किसी तरह की यातायात संबंधी समस्या होने की कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं, लेकिन वो आपको पकड़ता फिर क्या कहता, जैसे कंपनी का एचआर कहता, रुको रुका, हेलमेट नहीं लगाई सर ने, बस इस घर से यहां से J7 से उधर ही जा रहा था, इतना सब जाना था, यहाँ तो कोई ट्रैफिक भी नहीं, तो एक मिनट रुको, तुमको बताया ना तुम पर 200 रुपये जुर्माना होगा। तो सर जुर्माना क्यों होगा, देखो कंपनी तुम्हारे सिर की रक्षा करना चाहती मान लो अगर तुमको कल से कुछ हो गया, तुम यहाँ से गए मोटरसाइकिल स्किड हो गई और नीचे गिर गए, तो तुम्हारा सिर फूटेगा, तुम्हारा सिर फूटेगा, तुम्हारे दो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फीस कौन देगा, तुमको घर में परेशानी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली एचआर जो है वो आपके परिवार की रक्षा के लिए आज आपका 200 रुपए का चालान बना रहा है, पर जब उसको जरूरत थी तब वो त्रिमूर्ति चौराहे पर नहीं था जहां पर उसको व्यवस्था करना। तो आपको इन उदाहरणों से बड़ी बारीक चीज समझनी चाहिए, कोई भी कानून बनाया जाता है तो उस कानून का मतलब तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उसको करने वाले लोग कैसे होते हैं। जमीस जैसे अभी मनोज जी ने बताया ना कि बारीक चीज मिले थे, तो वो पहली लाइन उन्होंने कही कि अच्छा ये क्या करता है, आरटीआई का धंधा। आरटीआई धंधा कैसे, कुछ लोग अखबार चलाते थे, पहले भी चलाते रहे हैं आज भी चलाते हैं, तो हम लोग कुछ ऐसे अखबारों को जानते हैं जिनका काम ही ये होता था, पेट्रोल पंप पे शाम को 5 बजे कल क्या कर रहा था एक आदमी, कल के अंत में पड़े, ये 70 की हेडलाइंस होती थी शाम, और उसके बाद फिर पेट्रोल पंप वाले से वो 200 रुपए लेते हैं और दूसरे दिन वो पार्ट को आते हैं। सेम वे अब क्या हुआ है कि चीजें थोड़ी ज्यादा बदल गई हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, चीजें खुल गई हैं, तो बड़े वैधानिक तरीके से आती है, और आपको हमेशा लगता है कि ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, ये अभ्यर्थी की स्वतंत्रता की बात है। इसलिए हर कानून का अपना इस्तेमाल होता है। कई लोगों को भला, श्यामलाल को आप जानते हैं, वो भी हमारे साथी श्यामलाल यादव एक्सप्रेस में जो भी हैं, उन्होंने अपना पूरा करियर इंडिया टुडे वाला भी सारा का सारा आरटीआई के मिले तथ्यों पर ही बनाया। और आपको जान के आश्चर्य होगा, कई लोगों को लगता है ना कि यार हम लोग अंग्रेजी नहीं आती,
बड़े लोगों के बीच में क्या करेंगे, कैसे इन सारी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन उन्होंने उस कोशिश की और वो एक बहुत सामान्य परिवार से निकल के उन्होंने आज ये एस्टेब्लिश किया हुआ है कि आरटीआई के बारे में तो उनसे बाकायदा पूछ सकते हैं कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करें, ये सही नहीं। जर्नलिस्ट कभी भी आरटीआई नहीं लगा सकते, सब जानते हैं, क्योंकि हमारा इरादा बड़ा खतरनाक होगा। हम किसी के बारे में कवर करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, मतलब हम लोग इरादतन किसी स्वस्थ इच्छा से नहीं ऐसा कर रहे। लेकिन यदि कोई आम आदमी आरटीआई लगाता है और कुछ तथ्य सामने लाता है और हम उसकी पीड़ा को सामने लाने के लिए आरटीआई के तथ्यों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन कई लोग चुनी हुई इच्छाओं के साथ, चुने हुए सच के साथ, मैन्युफैक्चर्ड ट्रुथ के साथ ये काम करना चाहते हैं, इसलिए आरटीआई कभी कभी उल्टी पड़ जाती है। लेकिन आप लोग, अगर आप में से कितने सारे लोग लॉ वाले हैं क्या? लॉ के मास्कम के एमबीए के मिक्स है ना, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें ये होगा कि मास्कम वालों के लिए बाकी लोग मदद कर देंगे। आप सब लोग अपने अपने इलाके में इसी तरीके से काम कर सकते हैं, आरटीआई की कोई जरूरत भी नहीं होती किसी जमाने में। ये तो सोच लीजिए अरुणा जी और सब लोगों ने मिलकर जो आंदोलन चलाए हैं, पहले अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि मैं तो उसी आंदोलन की बोल। लेकिन सूचना का अधिकार देना अलग चीज होती है और लेना अलग चीज होती है। किसी की आत्मा पर छोड़ा तो वो कहने लगता है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो व्यक्तिगत में है। और जब किसी से लेना होता है तो कहते हैं तो सार्वजनिक। अभी सारस्वत जी ने सबसे अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताई हैं, तो मेरा ख्याल है कि इतना सरल तरीके से कोई और किसी स्कूल में आपको नहीं बताया। सेक्शन 8 को लेकर आप क्राफ्ट करते वक्त भी ध्यान रखें आरटीआई में, तो आपके बहुत सारे कष्ट हार जाते हैं। और कभी भी जो जर्नलिज्म के लोग हैं, अगर कोई अपनी जर्नलिस्टिक इच्छा पूरी करने के लिए आरटीआई ना लगाएं, आरटीआई लगवाएं। किसी की मदद करना चाहते हैं आप तो आप आरटीआई लगवाइए, उससे कहिए सूचनाएं लाइए, तथ्यों में आपके पास, तो आप उसकी बेहतर मदद कर सकते हैं। लेकिन हमेशा जैसे कि तलवार होती है, जैसे कि चाकू होता है, जैसे कि फूल होता है, जैसे कि पत्ता होता है, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। कई बार एक साधारण कागज से भी उंगली कट जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आरटीआई तो उससे बड़ी धार वाली चीज। मैं बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान देने की स्थिति में हूँ, और मैं तो सिर्फ लेने ही लेने की स्थिति में हूँ। मैंने बताया था कि मैं तो एडिटर हूँ, ये एडिटर रहा हूँ, तो उसका नतीजा ये रहता है कि ये सब लोग जो मुझे सिखाते हैं वो मैं मान लेता हूँ, और इनके सिखाए हुए से मैं यहाँ पे आया हूँ आपके पास। तो आप इनसे ज्ञान लीजिए और मैं जो है बाकी चीज़ें सुनूंगा, और बाकी चीज़ें हम लोग इनसे पूछेंगे, सवाल करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना?